गाइज, हमने लिया है कैनन का एक नया कैमरा, क्योंकि अभी तक हम जो भी वीडियो शूट कर रहे थे मोबाइल से करते थे, और आज हमने नया कैमरा खरीद लिया है। अब हम इससे शुरुआत करेंगे अपने व्लॉग की, और मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे की अनबॉक्सिंग करके। ये इसमें इसकी किताब निकली है, बुक निकली है, जिसमें इसके बारे में लिखा है। इसमें ये एक ये लेंस है जो इसके अंदर आया है कैनन का, और इसके अंदर एक चार्जर है जो इसका है, और इसकी ये बेल्ट है जो इसके अंदर आई है, एक इसकी बैटरी है, और एक ये इसका मेमोरी कार्ड दिया है इन्होंने, इस मेमोरी कार्ड है, और इसमें एक ये चार्जर का लीड आई है, और ये कैमरा है इसके अंदर। ये है कैमरा 200D EOS 200D, ये कैमरा है, और इसको भी हम खोलते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। एक तो ये टच स्क्रीन है इसकी, और 360 ये ऐसे घूम जाता है, ऐसे भी आ जाता है वापस। और सबसे अच्छी बात तो यह कि इसमें 360 डिस्प्ले है, इसको हम किधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो ब्लॉग बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल है, और इस लाइट वेट है, बहुत कंफर्टेबल है। अभी हम इसमें बैटरी लगा के इसको एक बार चला के देखेंगे। गाइस, ये हमने कैनन का एक लेंस और ख़रीदा है, 50mm का है, ताकि इससे हमारी जूम और क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, इससे वीडियो भी अच्छी बनती है और फोटो क्लिप भी बहुत अच्छे होते हैं इससे। एक कैमरा ये हमने इसके लिए एक एडिशनल ख़रीदा है। गाइज, हम एक चीज़ और लेकर आए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाए हम ट्राईपॉड, जो इसको जिसके इसके भी हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जो करेंगे हम अपने कैमरे से। अभी इसकी अनबॉक्सिंग हम अपने कैमरे से करेंगे। अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये मेरे 14 प्रो मैक्स से रिकॉर्ड हो रहा था, अभी हम इसकी जो अनबॉक्सिंग करेंगे वो अपने कैमरे से करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब सेटअप लगा लेते हैं कैमरे का, और अब इसमें हम डालते हैं बैटरी। सबसे पहले बैटरी डाल लेते हैं, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसमें डालता हूँ बैटरी, ये डाल दी है इसके अंदर बैटरी। अब इसमें डालेंगे हम एसडी कार्ड, ये हम खोल लेते हैं। ये एसडी कार्ड हमने निकाल दिया है, ये एसडी कार्ड लगा दिया है, ये कर दिया हमने बंद। और अभी इसमें लगाते हैं लेंस, ये लेंस लग गया है, और इसका ये हमने कैप भी हटा दिया है, और अब इसको करते हैं ऑन। अभी इस तरह से इसमें डिस्प्ले आई है एक, अब इसको देखते हैं कैसे चलेगा ये। ये देखिए, इसमें डिस्प्ले आ गई है ये, और अभी मैं इसको इधर से घुमा के डिस्प्ले को लगा देता हूँ इसके पास। गाइस, अब मैं इसकी एक दो फोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, पहले इसकी फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं। अभी मेरे लिए नया है तो थोड़ा सा समझने में मुझे टाइम लग रहा है। अभी मैं देखता हूँ ये वीडियो पे है या ये, मेरे हिसाब से फ़ोटो पे हो गया है। और हाँ, अभी मैं एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। गाइस, अब मैं करता हूँ ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग। कुछ इस तरह से ये आएगा बनके, यहां से इसका ये खुलेगा। अभी इसमें एक लेंथ और भी बढ़ा सकते हैं, गाइस ये लगभग 6 फीट की ऊंचाई है इसकी, और 6 फुट तक ये आराम से खड़ा हो जाता है। इसकी हाइट बहुत अच्छी दी गई है, जैसे इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसका,
जिसको जितनी हाइट चाहिए देखे गाइस जी, इसको हम कम ज्यादा करने का इसमें दिया है। और ये काफी अच्छी मेटल का बना हुआ है, बहुत मजबूत है, देखने में बहुत मजबूत लग रहा है। इसका जो लेबल है देखिए, इसमें एक लेबल इसमें यहाँ दिया गया है और एक लेबल इसमें दोस्तों यहाँ दिया गया है। इसमें डबल लेबल दिया गया है ताकि इसको लेबल के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं और यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। और इसका जो ये बीच वाला जो पार्ट है ये भी मेटल का दिया हुआ है। बहुत सारे जो ट्राईपोर्ट होते हैं इसमें प्लास्टिक का दिया होता है, ये सारा इसमें ये सब चीजें मेटल की दी हुई हैं ताकि मजबूती इसमें बनी रहे। अच्छी मजबूती दी गई है, बहुत अच्छा ये ट्राईपोर्ट है। अब इसे हम यूज करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम इसका स्टैंड लगा के आपको इसका स्टैंड के साथ कैमरा भी लगा के दिखाएंगे। अभी गाइज इसमें हमने कैमरा फिट कर दिया है, ये देखिए कितना अच्छे से स्मूथली काम करता है ये ऐसे। और इसको ऊपर नीचे हमें करना है तो ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी घुमा सकते हैं, और इसको हम ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे चल रहा है ऐसे, इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं हम, ये देखिए। और इसमें ये भी दिया गया है कि अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो ऐसे हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, तो जैसी स्थिति में रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखिए मैं दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से इसको टाइट कर देंगे तो हिलेगा नहीं, ये टाइट हो जाता है। और इसको हमें लूज करने के लिए इसमें ये पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, इसको हम अगर एक जगह फोकस रखना चाहते हैं तो टाइट कर देंगे, अगर इसको हमें सूट में यूज करना है तो इसको लूज करके हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं ऐसे इस तरह से। अगर हमें इसको ऊपर नीचे करना है तो वो भी हम आराम से इसी के माध्यम से ऊपर नीचे भी ऐसे फोकस कर सकते हैं इस पर, ये 180 डिग्री तक आराम से घूम जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मुझे तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब इसकी ज़रूरत रहेगी तो हमें ये सब चाहिए होंगी। और इसका जो हमें ये हमें नीचे करना है तो ये हमारा ऑप्शन है, इसके माध्यम से इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही। गाइज आपको हमारा कैमरा और जो इंस्ट्रूमेंट हमने और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएं कैसे लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।